हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ है KTM की एडवेंचर एक्स, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल 390 एडवेंचर है। और इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले आपको एक 360 लुक दिखा देता हूँ। तो ये है इसका ब्लैक कलर, और इसका जो मैट फिनिश वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी इसको आप ओवरऑल देख लो, फिर हम फ्रंट से शुरू करेंगे। तो फ्रंट में आपको एक वाइजर मिलता है, जो कि आपको एक टूरिंग के वक्त आपको विंड प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से देगा। और बाकी इधर आप देख सकते हैं, जो ड्यूक की तरह ही आपको DRL मिलेगा। बाकी इसका LED हेडलाइट और LED इंडिकेटर तो पहले से ही है, जब से लॉन्च हुआ है KTM इंडिया में। और नीचे की तरफ आते हैं तो ये 19 सेक्शन का व्हील्स है, ये अलॉयस है। और इसका जो रैली ऑप्शन है SW नाम से है, और उसमें आपको स्पोक मिल जाता है, जो कि एल्यूमिनियम स्पोक जो मिलता है, जिससे आप थोड़ा ज़्यादा ऑफरोडिंग में कॉन्फिडेंस वगैरह ला सकते हो। और बाकी इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको 100 सेक्शन और 90 सेक्शन का थिकनेस और 19 इंच का व्हील्स है। और फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क मिल जाता है, और डुअल चैनल ABS है, और ABS को आप ऑफ भी कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो स्पीडोमीटर कंसोल में। तो इस तरफ आते हैं तो सेम इंजन, और आपको लगता होगा कि ये मोस्ट अफोर्डेबल वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको कोई जो इंजन में पावर वगैरह ड्रॉप मिलेगा ऐसा नहीं है। इंजन में आपको पूरा पावर मिलेगा, इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है। और एक और बात आपको दिखाना भूल गया मैं, जो है सस्पेंशन को लेके। और बाकी आपको 41mm की WFX की सस्पेंशन मिल जाती है, जो कि USD में है। और इसके सामने आपको एक कवरिंग मिल जाती है, जिससे आप जब ऑफरोडिंग पे जाएंगे तो धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो शील्ड का जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या होता है कि इधर धूल वगैरह लग जाता है, तो जब सस्पेंशन आता है नीचे, तो उससे इसका शील्ड वगैरह कट जाता है, जिससे कि ऑयल वगैरह लीक हो जाता है। तो इससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बाकी इधर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और जो रैली प्रो मॉडल है, उसमें आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, और ये लोअर वाला वेरिएंट है तो इसमें नहीं है। तो उसके बारे में किसी और एक वीडियो में बात करेंगे, SW का जब रिव्यू करेंगे। तो नीचे की तरफ आते हैं तो आपको 373cc का लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 43.5 BHP और 37 Nm का टॉर्क। और लिक्विड कूलिंग आप देख सकते हैं, इसमें आपको कॉर्ब रेडिएटर मिलता है उधर और इधर, और इधर फैन भी देख सकते हैं, और दूसरी साइड भी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये चीज़ जो एडवेंचर 250 है उसमें आपको सिंगल फैन मिलता है, और एडवेंचर 390 में आपको बड़ा इंजन मिलता है, तो इसलिए आपको डुअल फैन मिलता है, ताकि आपको जो इंजन हीटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे की तरफ आते हैं तो आपको इंजन के बारे में पूरा बता दिया। अभी आते हैं ब्रेक लीवर की तरफ। तो इधर आप देख सकते हैं जो ओपन टीथ है, शार्प टीथ है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऑफरोडिंग सिचुएशन में मिट्टी या कीचड़ वगैरह लगेगा, तो आपका पैर नहीं फिसलेगा। और बाकी इधर आप रबर देख सकते हो, ये भी ऑफरोड बीट के जैसा है, मतलब इसका जो बाइट वगैरह और जो इसका रबर की ग्रिप वगैरह देख सकते हैं। बाकी और एक चीज़ है, अगर आपको एक्सट्रीम ऑफरोडिंग करना है तो आप इसको उतार भी सकते हो, ये पूरा उतर जाता है। तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम ग्रिप आपको मिलेगा। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो इसमें आपको WP Apex की मोनो सस्पेंशन मिल जाता है, और इसमें आपको एडजस्टेबिलिटी भी मिल जाता है। पर जो रैली वाला मॉडल है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा पाउंड या प्री लोड वगैरह की, तो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो नीचे की तरफ आते हैं तो आपको एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला और बल्कि दिख रहा है। और इसका नोट मैं अभी आपको वीडियो के एंड में सुनाऊँगा। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो 230mm का डिस्क है, और ये वाइब्रेरी कंपनी का है, और इसमें आपको डुअल चैनल ABS तो मिलता है, पर इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। और पीछे की तरफ आएँ तो आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, और जो पीछे का टायर का साइज है वो इधर आपको दिखा देता हूँ, 130, 60 और 17 इंच का है, और ये MRF का टायर है। और पीछे का जो टेल सेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें आपको दोनों जगह से डिवाइड किया गया है, जो इसका टेल लाइट है, और बाकी इंडिकेटर वगैरह तो LED है। और इस साइड आते हैं तो आप इधर देख सकते हैं, पीछे की तरफ आपको बहुत ही बड़े बड़े ग्रैब हैंडल मिलते हैं, जिससे कि आपका ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो आपको सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है, और जिससे इधर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको
अच्छे वाले रबर के ग्रिप मिलते हैं जो पिलियन की फुटरेस्ट है। और बाकी इधर आते हैं तो आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा स्लीक है और कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है शिफ्टिंग में, कभी भी अटकता वटकता नहीं है। बाकी स्टैंड में आपको जो साइड स्टैंड कटअप सेंसर मिल जाता है जिससे कि अगर साइड स्टैंड ऑन होगा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। और एक बात जो मैं बोलना भूल गया, तो ये मोस्ट अफोर्डेबल वाला वर्जन है, तो इसमें आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम मिलेंगे कंपेयर टू नॉर्मल वर्जन। और इसमें अभी आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा और इसमें अभी आपको कॉर्नरिंग ABS नहीं मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये सारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है इस वाले वेरियंट में आपको नहीं मिलेगा। बाकी उधर कूलेंट वगैरह आप देख सकते हैं। और ये तो हो गया पूरा इंजन। और बाकी अभी आते हैं सीट की तरफ, तो सीट की चौड़ाई वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें आपको 855 mm का जो मिल जाता है सीट हाइट, और बाकी नीचे आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सीट वगैरह कंफर्ट वगैरह आप देख सकते हैं, पिलियन के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह है और ये इतना ज़्यादा स्टेप अप भी नहीं है। और क्योंकि एक एडवेंचर बाइक है जिससे आप अपना जो टूरिंग वगैरह कर सकते हो, तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट मिलेंगे। और बाकी अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इधर आप देख सकते हैं इसमें आपको इंजन किल स्विच और बाकी इंजन स्टार्टर बटन, और इसमें अपर डिपर और पास लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न, तो ये हो गया। और ये सब इल्यूमिनेटेड है तो आपको रात में इधर से लाइट आता है, आपको पता होगा बजाज और KTM की गाड़ियों में ये आता है। और बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ, तो इधर आपको न्यूट्रल का साइन और ABS, इंजन चेक लाइट, और ये हो गया जो इंजन में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका लाइट, और बाकी ये बैटरी का। तो अभी इधर देख सकते हैं आपको ये मिल जाता है जो अपना टैकोमीटर, इधर टाइम और इधर फास्ट गियर पे है, और बाकी ये ओडोमीटर हो गया और ये स्पीडोमीटर, और इसमें हो तो ये हो गया फ्यूल मीटर। और बाकी इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है और जिसको आप ऑफ भी कर सकते हो। और ये वाला कंसोल आपको पता होगा ड्यूक 250 नहीं, जो अपना एडवेंचर 250 है उसमें भी आता है। और ये इसका जो अफोर्डेबल ऑप्शन है तो इसमें अभी आपको ये वाला मिलता है ताकि थोड़ा कॉस्ट को इफेक्टिव रखा जाए। और ये तो हो गया ये वगैरह। बाकी अभी आपको थोड़ा लाइट वगैरह दिखाता हूँ, अभी थोड़ा दिन का टाइम है तो इतना ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है। और इधर आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट, और पीछे का अभी दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया टेल सेक्शन का लाइट। बाकी इंडिकेटर भी ऑन करके दिखा देता हूँ। बाकी इसमें आपको कंपनी से जो 1000 लाइट नहीं मिलता है तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। बाकी इधर आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो कि आपको शुरू से LED मिलता है। बाकी ये सब तो हो गया। बाकी इसमें अभी आप देख सकते हैं इधर आपको E20 फ्यूल का साइन मिलता है, तो ये बाइक अभी E20 कंफर्टेबल है, तो आप 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी इसका टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 14.5 लीटर, जिससे आपको इजीली 400 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। और ये हो गया, तो बाकी सब कुछ अब हमने कवर कर दिया। और इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 2,81,000 एक शोरूम, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। जिनको भी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS ये वगैरह जितने भी नहीं चाहिए, और उनको एक पावरफुल एडवेंचर टूरर चाहिए, तो ये परफेक्ट है उनके लिए। बाकी ये वाला वर्जन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये 60,000 लेस कॉस्ट करता है जो नॉर्मल एडवेंचर 390 है। बाकी ये हमारा भुवनेश्वर में आपको अवेलेबल हो जाएगा चंद्रशेखरपुर KTM में, आप इधर देख सकते हैं, तो आप आके विजिट कर सकते हैं। तो इसका जो ओवरऑल वेट होने वाला है वो 177 kg है, तो उतना ज़्यादा आपको वेट फील नहीं होगा। और बाकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है, मैं अभी आपको इसका जो सीट हाइट टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और मेरा जो हाइट है वो 6.2 है, तो मेरे को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ जिनका हाइट 5.8 या 7 से नीचे, उनको भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बाइक चलता है भाई टेक्निक से, और जिनको संभालना और टेक्निक आता है वो इजीली इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। और बाकी थोड़ा अगर कोई ऐसा ट्रिकी सिचुएशन होगा तो तभी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि मेरा हाइट 5.4 है मैं चला लेता हूँ। भाई मैं कभी किसी को मना भी नहीं करता और मैं इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करता कि मेरा हाइट ज़्यादा है, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा गाड़ी चलाता हूँ। तो अभी आपको एक सीट हाइट टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। आपको सीट हाइट
चेक करके दिखाता हूँ। तो मेरा है ये ऑब्वियसली 6.2 है और इसका जो सीट हाइट है वो 855 mm है। तो आप इधर देख सकते हैं मेरा फुट अभी इतने नीचे जाने के बाद भी अभी भी मेरा पैर सीधा नहीं है। तो अगर नाइक इधर आ अगर कोई गाड़ी का सीट हाइट 900 से ऊपर भी होगा तो भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं मेरा पैर अभी भी सीधा नहीं है, इतना बचा है। तो अगर इससे भी ज़्यादा सीट हाइट होगा तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी मेरा भाई अभी खड़ा है, छोटा भाई, उसका हाइट, तेरा हाइट कितना है भाई? पता नहीं, इसका हाइट शायद 5.8 या 9 है। तो ये अभी आपको टेस्ट करके दिखाएगा। तो इसका थोड़ा सा जो पिछले वाला हिस्सा अभी नहीं आ रहा है, इधर आप देख सकते हैं उसने पूरा चप्पल ही खोल दिया, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अरे वाह, स्टाइल मार रहा है, अभी उतर जा। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी इस बाइक के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको लोकेशन वगैरह तो बता दिया, आप अगर भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं तो आप जल्दी आके चेकआउट कर सकते हैं चंद्रशेखरपुर के टीम। और भाई साहब जो अंदर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इनका जो पूरा स्टाफ है उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप आके देख सकते हैं और अपना जो KTM एडवेंचर लेके लद्दाख जा सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।